सभी लोग जल्दी से पहुंच गए और मुझे लगता है इसीलिए 12 लोग बचाए गए थे, कोई बाथरूम में हो सकता है, कोई पलंग के नीचे डर की वजह से। आधा घंटा हो गया हमने अपने दिल्ली में बेबी केयर सेंटर में भीषण अग्निकांड के बाद राजधानी में आग की एक और घटना सामने आई है। यमुना पार के कृष्णा नगर इलाके में स्थित एक बिल्डिंग में देर रात करीब 2:30 बजे भीषण आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की जलकर जान चली गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने बिल्डिंग से 10 लोगों को रेस्क्यू किया है, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा 11 स्कूटी बाइक भी आग के चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई हैं। फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रात करीब 2:35 पर फायर कंट्रोल रूम को कॉल मिली थी। ये घर में आग थी, ये करीब हमको 2:32 पे के आसपास ये फायर कॉल मिली थी। हम लोगों ने जो इसमें 4 फायर टेंडर रश किए थे। ये टिपिकल जो मैं बहुत इंटरव्यूज में कह चुका हूँ, ये टिपिकल फायर थी कि जो स्टील पार्किंग थी वहाँ बिजली की मीटर से जैसे आग स्टार्ट हुई वहाँ पे 11 गाड़ियां खड़ी हुई थी, उन गाड़ियों में आग लगी, एक ही जीना था और घर में धुआं मर गया। ये टिपिकल प्रॉब्लम है, हम लोग इसके लिए बहुत कोशिश भी कर रहे हैं कि जो है मीटरों को बाहर निकाला जाए, इलेक्ट्रिक मीटर को बाहर निकाला जाए, दूर ले आया जाए, तो ये सेम प्रॉब्लम है। इसमें 2 लोगों की डेथ हो गई है, 12 लोगों को बचा लिया गया। कितनी गाड़ियां इसमें लगी थी लगभग, और ये लगभग ये ऑपरेशन ये भी जो आप ऐसे समझ लीजिए 2:30 पे कॉल हुई थी, क्योंकि 12 आदमियों को बचाया गया, 2 डेथ भी हो गई, सर्च ऑपरेशन भी बाद में होता है, तो ये करीब 7:30 तभी खत्म हुआ है, 7 बजे करीब आज तक। और जी, और इसमें 12 आदमी जो निकाला गया तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा एक सेट ड्रिल है कि जब भी किसी घर में आग लगती है और जहां पे ये अंदेशा होता है कि वहां कोई आदमी है, तो हम उस घर को 2-3 बार रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग फ्लैट होते हैं, कोई बाथरूम में हो सकता है, कोई पलंग के नीचे डर की वजह, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो क्योंकि सर्च ऑपरेशन अभी मेरे पास खबर आएगी कंप्लीट हो गए हैं अभी और आग बुझ चुकी पूरी। जिस तरह से कुछ लिया है तो फायर प्रॉब्लम क्या उधर भी कुछ ऐसा फायर ऑपरेशन? ये देखिए लगली क्योंकि 2:30 बजे का टाइम था, तो वो कंजेशन वाला प्रॉब्लम है, ट्रैफिक वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ इस बार, क्योंकि रात का टाइम था तो सभी लोग जल्दी से पहुंच गए और मुझे लगता है इसीलिए 12 लोग बचाए गए, नहीं तो शायद ये भी बड़ा घटना हो सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता था, यही रीजन था क्योंकि रात का टाइम था। आपको बता दें कृष्णा नगर के बैंक ऑफ इंडिया के पास स्थित एक बिल्डिंग में आग लगी थी, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को भेजा गया। आग बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में लगी हुई थी और फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गई। 4 मंजिला बिल्डिंग में 2री, 3री और 4थी मंजिल पर भी आग की लपटें और इसकी हीट और धुआं पहुंच गया था। जब आग पर काबू पाया गया तो सुबह उसमें से एक जली हुई डेड बॉडी मिली, जबकि जिन 12 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया था उनमें से 2 को गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, बाकी 10 लोग घायल हैं, उनमें से एक की हालत गंभीर है और एक को मैक्स हॉस्पिटल रेफर किया गया है। इस अग्निकांड में जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान 66 साल के प्रमिला साध, 18 साल के केशव शर्मा और 34 साल के अनुज शर्मा के रूप में की गई है, जबकि जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है उनकी पहचान 41 साल के देवेंद्र के रूप में हुई है। इसके अलावा 38 साल की रुचिका समेत बाकी घायलों को हेडगेवार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायलों की पहचान सोनम, दिव्यांश, गौरव, करण, राहुल, रोहित, मनीष और सीमा के रूप में की गई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।